क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला 26 अप्रैल शाम 8 बजे से शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, नंबर 4 पर भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज आते थे मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे मुंबई इंडियंस की टीम में एक या दो बदलाव होना संभव है। दोस्तों, आपको बता दूं, सलामी जोड़ी तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की ही रहेगी। ऐसे में नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन की जगह आ सकते हैं भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज युवराज सिंह। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं, सूर्य कुमार यादव उतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के मध्यक्रम में। ऐसे में युवराज सिंह के आने से भारतीय टीम का मध्यक्रम काफ़ी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, आईपीएल की शुरुआत के 2 मैचेस में तो मुंबई इंडियंस की तरफ से युवराज सिंह ने काफ़ी घातक बल्लेबाजी की थी, लेकिन उससे बाद से मुंबई इंडियंस युवराज सिंह को अपना प्रदर्शन देने का मौका नहीं दे रही है मुंबई इंडियंस की तरफ से। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हमें फिर से युवराज सिंह की तूफानी बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिल सकता है, या फिर युवराज सिंह नंबर 5 या नंबर 4 पर आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस को युवराज सिंह को एक और मौका देना चाहिए या नहीं? इसको जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।